गढ़वा संडे दिन मिला कब बूंदा मी यहाँ पे फिर चाय पी जा रही है दूर दूर हो चौड़ा तो बहुत ही कठिन विषम परिस्थितियों में हम तो साथियों ये देखिए रिंगाल काटना हमने प्रारंभ कर दिया है और ये हैं अभी हम नमस्कार प्रणाम पहला स्वागत है आप सभी साथियों का मानस नेगी पहाड़ी यूट्यूब चैनल में। तो साथियों आज हम जा रहे हैं जंगल की ओर रिंगाल के लिए, तो बने रहेगा अंत तक, देखते हैं पूरा दिन भर क्या क्या वहाँ पे स्थिति है और किस तरह से हम रिंगाल लाते हैं। तो चलिए चलते हैं और ये हमारे साथ काफी साथी लोग भी जा रहे हैं तो बने रहेगा। चलिए 5 बजे फोन कॉम लागे 5:30 तो ये सभी साथी भी जा रहे हैं और आज हम भी जा रहे हैं इनके साथ जंगल रिंगाल के लिए। तो जो ये बैग लगा रखा है इसमें दिन में खाने के लिए रोटी है, क्योंकि आज भाई पूरा दिन लग जाएगा जंगल में। चलिए तुरंत कर व्यवस्था की। तो चलिए साथियों रास्ते में जा रहे हैं, अभी काफी दूर चलना है। तो भाई बहुत ही थक भी लग गई है यार, बाकी लोग पीछे। तो यहाँ पे ये लोग आराम कर रहे हैं अभी। तो दांत अरे फर्स्ट क्लास में लड़ने वाला। अरे नेपाल के में या फिर लोड मिल जानी ना, पर हमारी तो देखिए घनघोर जंगल वो भोसड़ी चोद निमान ना। और भी दिखाएं जब नहीं आ रहा गजोल भंगर आए थे। अभी काफी दूर चलना है और हल्की हल्की बारिश भी आने प्रारंभ हो गई है और हमारे पीछे पीछे आ रहे हैं रावत जी और बाकी सभी साथी लोग आ ही रहे हैं और सबको थक लगी है। तो भाई देखिए यहाँ डर भी लग रही है, दिन में ऐसा लग रहा था कि मानो रात हो गई होगी, इतना अंधेरा हो रखा है यहाँ घनघोर जंगल के बीचों बीच। और यहाँ का नाम है कैसा रहा जी खाना, कौवा। यहाँ का नाम है कौवा, कौवा का गदेरा कहते हैं। यहाँ पे रहा होगा किसी जमाने में यहाँ पे कौवा काफी संख्या में, जिसे कौवा कहते हैं हिंदी में। तो ये देखिए कैसा घनघोर जंगल है। तो ये भूंकर बजना पहुंच चुके हैं, यहाँ कहते हैं भूंकर बजना की धार। और यहाँ नीचे दिखाई दे रहा हल्का हल्का सनकोट गांव, बादल भी छाए हुए हैं घनघोर चारों ओर। और ये देखिए सभी आ गए यहाँ पे और यहाँ पे थोड़ा बैठने का, है लोगों का आराम करने का। और ये जय हो, यहाँ पर कुछ ना कुछ रखते हैं लोग। रावत जी थैंक ले हमने, अच्छा समय रहेगा ठीक से। हाँ भगवान कसम, हाँ पैसा का पैसा भी है और आराम से छोड़ देना। जिनके आदमी सही है ना परिवार में भाई, यू नो टन मर गए सुबह मेवल आराम से गोरो मिलन अता दिन हो तो तन गोरो चलन मणे अबे अत भाई यूं है मेवल चलो मेवे उन तो बेटा यार जाय दू छड़ो ता आउ दिन तुम पाद ला हो जरा क्या बात मेले छो कभी रूल बनी कभी बरख रहे। हां वो तो छे तो जंगलों के बीचों बीच चलते चलते पहुंच गए हम अंगड़ी गंगा, यहाँ का नाम है साथियों अंगड़ी गंगा। ये उत्तराखंड के नक्शे में भी ये सुखी नदी, ये देखिए इसमें कुछ पानी नहीं है
ये अंकित है और दर्ज है उत्तराखंड के नक्शे में। ये इसका नाम है अंगड़ी गंगा। कभी जमाने में बहुत बड़ी गंगा हुआ करती थी, लेकिन ये अब सूख चुकी है। तो चलिए चलते हैं यहाँ से भी आगे। न टॉमी, तो फाइनली तमख्या पहुँच चुके हैं। और तो ये देखिए यहाँ पे छप्पर है चौमास के लिए, गाय भैंस सुख रहे हैं। ले भाई, आजकल गायें रहती हैं। ए कर ले भाई, तो ये तो क्या बनना तो क्या बनाने ढूंढते हैं। नमस्ते नमस्ते। तो ये रहे चौमास के छप्पर, तम क्या पहुंच गए। तो ये देखिए डांडा की छानियों में क्या आनंद से पड़े हुए हैं बैल। तो ये देखिए, तो ये देखिए यहाँ पे ये लेमन टी लाल चाय मिल गई है। अब रास्ते की जो थकान है वो दूर हो जाएगी। ठीक होने भाई, चाय लेमन टी बन रखी है क्योंकि आजकल यही चाय ठीक होती है। आटा धार हाँ, ये सारे आज जा रहे, थक गए हैं लोग। मणि मणि रे बोना सीधे सीधे। दोस्तों अब पहुंचने ही वाले हैं रिंगाल के जंगल में। तो ये देखिए पहुंच चुके हैं लगभग लगभग। ये रहा रिंगाल, देखिए रिंगाल होता ही। तो यहाँ से भी थोड़ा आगे चलेंगे क्योंकि यहाँ लोगों ने काट रखा है यहाँ से। तो ये देखिए ये रिंगाल काट रखा है, काट के छांट के फेंक रखा है यहाँ पे। तो यहाँ से भी आगे चलेंगे अब। तो साथियों ये देखिए रिंगाल काटना हमने प्रारंभ कर दिया है और ये हैं अभी हम खतरनाक नदी के बीचों बीच में। तो देखिए यहाँ पे दो नदियों का संगम है जंगल में। तो अभी ये नदी तो सूखी रखी है, गदेरे के रूप में परिवर्तित है। तो ये देखिए ये जा रहे हैं आगे आगे, और ये दीप्पू है। ये भाई मैंने भी दो तीन डंडे ये मैंने भी काट रखे हैं। ये देखिए है ज़्यादा नहीं मिला मेरे को, अभी कुछ ज़्यादा नहीं मिला, लेकिन अब गदेरे से पली तरफ जाएंगे। ये गदेरा है नदी, मैंने इसलिए कहा क्योंकि ये अब बारिश आती तो नदी का रूप धारण कर लेती है, बहुत काफ़ी पानी रहता है इसमें। तो ये देखिए तो यहाँ पे देखिए ये रख दो भाई, रख दो यहीं रख। तो ये यहाँ पे हम गनगौर जंगल में, यहाँ पे रख दो इसको। तो इस गदेरे को पार करके हम को चलना है रिंगाल के लिए। ये सामने दिखाई दे रहा है ये रिंगाल, और अभी यहाँ पे रावत जी हैं, प्रदीप भाई है, दीप्पू है, और ये डॉगी भी हमारे साथ रखा है रिंगाल के लिए। और आसमान से ऊपर से बारिश भी आ रही है। तो ये देखिए बारिश से भीग भी गए हैं और रिंगाल काटेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो साथियों ये देखिए चलें। तो फाइनली भाई रिंगाल काट चुके हम, जिसे हम हिंदी में रिंगाल कहते हैं। अब इसे बांध के ले जाएंगे। तो ये देखिए बाकी कुछ लोगों ने ये रखा है इस साइड को, प्रदीप सिंह ने तो जूते ही उतार दिए हैं, बाकी दीपक सिंह ये देखिए ये इकट्ठा कर रहे हैं अभी, बाकी और रावत जी नीचे हैं।
म्याखुन बिचर थोड़ा अचार तो ये अब रोटी खाई जा रही है यहाँ पे म्याखुन बिचर जा रही है। अरे डालना ये देखिए, अरे हाथ भी गंदे हो रखे हैं। लेता भी बात खून भी गाड़ी खून भी चलता है। ये देखिए कुत्ता भी है साथ में, तो चलिए आनंद लेते हैं रोटी का। आज दे ना धैर्य दिया, भूख भी जबरदस्त लग गई है। तो भाई भूख लग गई है जबरदस्त, पहले रोटी खा लेते हैं। ये दीपू का दिखाना आए खाने के भाई, खाओ भाई। हमारा रिंगाल काट के तैयार हो गया, घर जाने के लिए तैयारी है, लेकिन पहले पेट पूजा कर लेते हैं। ये भूख भी खतरनाक लग गई है और सभी लोग बैठे हैं यहाँ पे। और इसको इतनी खतरनाक भूख लग रखी है, देखो किस तरह से खा रहा है। हजार निमन ताबे तो चलिए यहाँ से अब घर चलने की तैयारी हो रही है। ये टॉफी खाओ और आओ जी। दीपू ने टॉफी भी ला रखी है। लो आओ जी मीठा मुँह करो भाई। तो देखिए हाथों के क्या बुरे हाल हो रखे जंगल में। आई दी वो थी क्या। तो चलिए चलते हैं। तो चलिए चले। हाँ भाई कथी पी शिशु ये तो गहने हुए दीपू 150 पार्ट। तो चलिए चलते हैं घर की ओर। और ये प्रदीप सिंह ने भी उठा लिया है अपना गड्ढा और रावत जी ने भी। तो आज भाई बहुत थक गए हैं, रिंगाल के लिए काफ़ी दूर आ रखे हम। तो चलिए चलते हैं घर की ओर। जंगल का रास्ता देखिए, देख के चलना पड़ेगा, झाड़ियों के बीचों बीच जाना पड़ रहा है। दूर दूर हो चौड़ा गया। तो बहुत ही कठिन विषम परिस्थितियों में हम आज जंगल जा रखे हैं रिंगाल के लिए। तो चलिए चलते हैं घर की ओर। ए में फर्क कीजिए रे यार, सीधे बोर्ड पार कर दीजिए। तो भाई आधे रास्ते में पहुंच गए हैं, बहुत ख़तरनाक चढ़ाई चढ़ के आए हैं। यहाँ पे हमने अपना रिंगाल रखा है, ये प्रदीप सिंह आराम कर रहे हैं। ये आओ रे आओ वाला है कखनी भी तुम पार। और ये बगल में दीपू बैठा है, बाकी रावत जी आ रहे हैं पीछे से, थोड़ा सीनियर आदमी हैं तो चढ़ाई चढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी उनका गोल भाई रहा है। आज बहुत ही थक लगी है, हर किसी के बस का बात भी नहीं ये काम करना। तो ये रावत जी भी पहुंच चुके हैं क्योंकि चढ़ाई काफ़ी है, नीचे गदेरे से काफ़ी ऊपर चढ़ाई है। रावत जी को थक लग गई है, नीचे काफ़ी नीचे से आ रहे हैं हम ऊपर। तो ये आधे रास्ते में आ चुके हम घर की ओर। अब तो देखिए अभी काफ़ी दूर चलना है, लेकिन आधे रास्ते आ चुके हैं और बारिश भी आ गई साथ ही साथ। चलो, 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 चलो। ये सभी साथी लोग आराम फरमा रहे हैं यहाँ पे। ये रहा इनका रिंगाल, काफ़ी थक लग गई है, पूरे भीग गए हैं बारिश से और थक भी लग गए हैं, काफ़ी चढ़ाई चढ़ के आए हैं अभी। और रावत जी भी थक गए हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा थक लगे। और एक सबसे ज़्यादा बुढ़ा वो पली तरफ लेटा है, वो बहुत बुढ़ा हो गया है। तो यहाँ से अब कम से कम 9-10 से 11-12 किलोमीटर लगभग अभी चलना पैदल इस रिंगाल को कंधे में लेके। तो
बने रहेगा। इसके बाद रास्ते में भी दिखाते रहेंगे आपको। गढ़वा संडे दिन मिला कब है बूंदा मी। यहाँ पे फिर चाय पी जा रही है पंख्या में, थोड़ा जो थक लगी है वो दूर हो जाएगी। प्रदीप सिंह को तो लोटा ही मिल रखा है चाय वाला चमार है। अब जो थकावट है वो दूर हो जाएगी थोड़ी सी, और रिंगाल हमने सामने उधर रखा है और यहाँ से चाय पी के चलेंगे अब। तो साथियों रिंगाल लेके वापसी में हम पहुँच चुके हैं भुंकर बजना, जो कि तमख्या के बाद आता है नीचे घर की ओर। और यहाँ पर ये सारे देखिए साथी लोग थकावट दूर कर रहे अपनी। अब थोड़ी दूरी रहेगी यहाँ से घर पहुँचने की, कुछ टाइम बाद घर पहुँच जाएंगे। यहाँ से सनकोट दिखाई दे रहा है, सनकोट अब भी नहीं दिखाई देना डालोगे तो इतने। ये जो ये दिखाई दे रहा है सामने चोटी, इसको लांगते हुए आए हम इधर। तो अब आ चुके हम घर के नज़दीक और यहाँ पे ये गाय भी मिल गई हमें और गांव आने ही वाला है, तो चलिए चलते हैं। और भाई ठीक जी निगल ले जाए जी, तो चलिए चलते हैं यहाँ से घर की ओर। तो ये अब थोड़ी देर में घर पहुँचने ही वाले हम, बहुत थक लग गई है आज। तो यार हमको का गरीब आदमी हम हो या नहीं जिदाब किताब में क्या करूँ। काम नहीं करने तो ये गांव दिखाई देने बैठ गया और आगे हम गांव के नज़दीक। तो ये देखिए, तो चलिए साथियों आ चुके हम गांव के नज़दीक और थकान भी लगी रखी है। तो एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब और एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक ऐसी वीडियो में, तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।